हज पर जाने वाले नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में जो देरी हुई है उसको लेकर पसमांदो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने केंद्र को पत्र लिखकर अवगत कराया है। नई गाइडलाइंस को लेकर पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने क्या कुछ बातचीत की, सुनते हैं। हज पर जाने वाले नागरिकों के लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है, जिसको लेकर हज पर जाने वाले लोगों के अंदर काफ़ी इसको लेकर नाराज़गी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब। प्रधानमंत्री साहब को आपने एक पत्र लिखा है हज कमेटी में जो देरी हुई गाइडलाइन को लेकर, क्या है पत्र में कुछ और क्या है? इस पत्र के माध्यम से मैंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवगत कराने का काम किया कि हज पे जाने वाले यात्री, उनको जाने में बहुत देरी हो रही है, वो वक्त से नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको हज के दरमियान तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन लोगों के अंदर बड़ी बेबसी है कि गाइडलाइन उनकी नई कब जारी होगी, हम वहाँ कब पहुँचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लेट पहुँचने की वजह से वहाँ पर हमें बेहतरीन सुविधाएं ना मिल सके। अनीस जी, यहाँ पसमांदा समाज के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, तो क्या लगता है सरकार में कहाँ कुछ कमी रह गई इस चीज़ को लेकर, गाइडलाइन जो अभी तक जारी नहीं हो पाई? देखिए, हज का मसला बहुत सेंसिटिव है, इसमें सभी सरकार के लोगों को भी गंभीर रहना चाहिए और उन्होंने ये लापरवाही की। जो यहाँ आज मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के, उनकी जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की उसको वो करें, बाकी अदर स्टेट के लोग करेंगे। उन्हें ये चाहिए कि किसी तरीके से हम उनको प्रधानमंत्री जी से बात करके, स्मृति ईरानी जी से बात करके और उनको वक्त से हम भेज सकें। हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा साहब, उन्होंने जब गाइडलाइन जारी हुई 2023 की तो उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर हज करने जाने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी पहली सरकारों के अपेक्षा इस सरकार में। कहाँ सुविधा दे रहे हैं? अगर सुविधा वो देते तो आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सुविधाएँ तो नहीं दी ना, इसीलिए मुझे आज प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना पड़ रहा, उनसे 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 अनुरोध करना पड़ रहा है। तो ये कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। उन्होंने कहा क्या कहा, इससे पहले भी तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम सब्सिडी जब उन्होंने ख़त्म किया और ये लॉलीपॉप दिया कि हम जो पानी वाली जहाज शिप चालू करेंगे ताकि उससे तमाम गरीब तबके के मुसलमान हज यात्रा कम पैसे में कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, किया कहाँ, आज तक नहीं किया। तो ये थे मेरे साथ पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया जो हज को लेकर जो जिस तरीके से गाइडलाइन में जो देरी आ रही, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश एनके न्यूज़।